एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित सुजती गांव पड़ा। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 30 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान गीता हैं, जिन्हें ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में 50 राशन कार्ड धारक है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 440 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व 30 सोलर लाइट भी लगवाए गए हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 115 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 11 खड़ंजे, 10 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 170 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में तालाब, शमशान घाट, कब्रिस्तान, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला, पशु चिकित्सालय, खेल का मैदान, बिजली घर, तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गाँव सुनती विकास खंड छबरौली जिला बागपत गाँव में 4 सीसी बनाए, 6 इंटर बनाए, सीसी बनाए, 4 इंटरलॉक बनाए, स्कूल में 4 दीवारी मरम्मत, नाला सफाई खुदाई, तालाब की सफाई कराई, स्कूल में शौचालय बनवाए और केंद्र सरकार से मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ। एक तो पंचायत घर गाँव में बरात घर, सचिवालय, अगर एक आंगनबाड़ी केंद्र, तालाब की खुदाई एवं सौंदर्यकरण, शमशान घाट के सौंदर्यकरण, पशु चिकित्सा केंद्र, स्वास्थ्य विभाग, पानी की टंकी जो सबसे गांव की मैन सबसे बड़ी समस्या है, पानी की टंकी के जो पाइप है वे बहुत खराब क्वालिटी के है। उसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री से, प्रमुख सचिव से भी करी, लेकिन आज तक वे बदले नहीं गई, न उसका कोई निस्तारण हुआ। एक गाँव में कन्या पाठशाला, गाँव में बहुत गरीब जनता है, उसे पढ़ने के लिए बच्चे बहुत जा नहीं पाती बाहर। खेल का मैदान नहीं है, जिस तरह गांव में बच्चे विकास कर ले, खेल का मैदान नहीं है, आदि बहुत समस्या है गांव की। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार कोई भी बहुत ध्यान नहीं देते गांव छोटा होने के कारण। हम केंद्र और एक ग्राम पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते केंद्र और ग्राम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि गाँव छोटा होने के कारण कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती। इस गाँव सुनती में लगभग 60% मामलन है जो बहुत गरीब आदमी है, उनके ना राशन कार्ड की समस्या बहुत है, लेकिन कई दिन आए दिन जो डीलर है ना बहुत परेशान करे, देते नहीं किसी राशन उन्हें, जो हम वो देखे हैं ऐसे भगा देते हैं, किसी यूनिट के हिसाब से नहीं देता, किसके 5 यूनिट है 3 का दे दिया, जब जब कहे जब दे रहे। और ये केंद्र करते और राज्य से जब करे गाँव में विकास जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ रहा, बजट बहुत कम है, जिससे अपने बजट से काम नहीं हो पाते। फिर भी हमारी सरकार से ये मांग है, अब हमारे बजट को बढ़ा जा, एक तो शमशान घाट की हुआ हमारे सौंदर्यकरण करा जा, एक पंचायत करनी है गांव में उसे अलग से उसका वो दिया जा फंड, सचिवालय नहीं है पशु चिकित्सा का अलग फंड दिया जा। जैसे हम बाहर भी घूमते रहते हैं और देखते हैं और जगह भी, तो गाँव में विकास बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति में चल रहा गाँव, पहले वो इतना खास वो नहीं था और बढ़िया। नया प्रधान आया, ये बहुत अच्छा काम कर रहा गांव के अंदर, बहुत ही अच्छा, पहले कुछ नहीं हुआ, इस नई योजना में बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये बहुत ही